नमस्कार दोस्तों दोस्तों दो आर्टिकल्स सुबह हमारे छूट गए थे, लैपटॉप में कोई खराबी आ गई थी। ठीक ठाक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, छोड़ेंगे नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से संबंधित। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को लिंक कीजिए। देखो, ये एक्ट आया था 1972 में हमारे देश में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल्स हैं। हमारे देश में जो एनिमल्स हैं, इवन प्लांट्स भी, उनको प्रोटेक्शन दी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 6 शेड्यूल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, जो एनिमल्स शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में आते हैं, उनको हंट करना, उनका शिकार करना टोटली बैंड है, टोटली प्रोहिबिटेड है। अगर कोई पर्सन उन एनिमल्स का शिकार करता है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 या फिर शेड्यूल 2 में आते हैं, तो उन पे हाईएस्ट फाइन लगेगा, हाईएस्ट पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जांपल, सलमान खान पर जो आरोप लगा था कि उन्होंने ब्लैक मक को मारा, काले हिरण को मारा, वो काला हिरण शेड्यूल 1 में आता है, तो हाईएस्ट सजा हो सकती है उस पर्सन को जो कि मारेगा उन एनिमल्स को जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में आते हैं। उसके बाद कुछ एनिमल्स आते हैं शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में, इन एनिमल्स को मारने पे भी प्रोहिबिशन है, लेकिन फाइन जो है थोड़ा कम है, पेनल्टी जो है वो थोड़ी कम है, सजा जो है वो थोड़ी कम है। इसके बाद आता है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में देखो, वो एनिमल्स आते हैं जिनका शिकार किया जा सकता है, यानी जिनको वर्मिन डिक्लेयर किया गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में मंकी को वर्मिन डिक्लेयर किया गया था, नील गाय को बिहार में। इस प्रकार से जो एनिमल्स, जिन एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर किया गया है सरकार के द्वारा, उन एनिमल्स का शिकार किया जा सकता है। और 6 शेड्यूल में प्लांट्स आते हैं, इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स, इन प्लांट्स की खेती, इन प्लांट्स को नहीं उगाया जा सकता, आम जनता के द्वारा बैन है इन प्लांट्स को उगाने पे। तो इस प्रकार से देखो, विभिन्न शेड्यूल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। लेकिन आज के समय में ये जो एक्ट है वो इरिलेवेंट हो गया है। इरिलेवेंट का मतलब अमेंडमेंट की आवश्यकता है इस एक्ट के अंदर। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन स्टार्ट किया है विभिन्न राज्यों के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा है स्टेट गवर्नमेंट से कि आप बताइए कि देखो, हम इस एक्ट में अमेंडमेंट लाने वाले हैं, आपकी कोई राय हो, आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें बताइए, अगर वो सही होगा तो इस एक्ट को उसी हिसाब से अमेंड किया जा सकता है। देखो, आर्टिकल में ये बोला जाता है 1972 यानी 1972 में पहली बार जब ये एक्ट आया था, उस समय 184 एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई थी, यानी 184 एनिमल्स इस एक्ट के विभिन्न शेड्यूल्स के अंदर आते थे। धीरे धीरे काफी बार अमेंडमेंट की गई लिस्ट में, और ज्यादा एक्सपेंशन किया गया, तो आज के समय में 909 यानी 909 एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई है इस एक्ट के अंदर। तो जिन एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई है वो फिगर तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन देखो, दो इश्यूज हैं अभी मेनली। एक इशू तो ये है कि कई एनिमल्स ऐसे हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उनको शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। कायदे से उनको शेड्यूल 3 या फिर शेड्यूल 4 में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उनको शेड्यूल 1 में शामिल करने के बजाय, जहां पे हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है, उनको शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4 में जगह दी गई है। तो एक प्रकार से जो लिस्ट है उसको अच्छे से नहीं बनाया गया है। जिस एनिमल को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उसको ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, और जिस एनिमल को कम प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उसको ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। यहां पे देखियो, क्रिम्सन रोज, क्रिम्सन रोज एक तितली है, मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूं इसकी, ये है, बटरफ्लाई है, साउथ इंडिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफी ज्यादा मिलती है, लेकिन इस तितली को प्रोटेक्शन दी गई है टाइगर के मुकाबले में, यानी टाइगर भी शेड्यूल 1 में आता है, और ये जो बटरफ्लाई है जो काफी बड़ी संख्या में मिलती है, इसको भी शेड्यूल 1 में रखा गया है। जबकि दूसरी तरफ हाइना, एक बार आप स्क्रीन पर पिक्चर देखिए, ये जो हाइना है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है, लेकिन इसको रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर। जबकि शेड्यूल 3 में जो बार्किंग डियर है या फिर वाइल्ड पिग, ये जो एनिमल्स हैं वो IUCN की लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि लिस्ट को अच्छे से नहीं बनाया गया है, और लिस्ट अभी भी बहुत छोटी है। बहुत से ऐसी एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन उनको तो किसी भी शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडेंजर्ड फिशीज की 659 स्पीसीज में से मेजोरिटी को नहीं स्थान मिला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी भी शेड्यूल में। इसके अलावा चमगादड़ यानी बैट्स की जो 128 स्पीसीज हैं, उनको भी वर्मिन की कैटेगरी में रखा गया है, यानी शेड्यूल 5 में आते हैं।
इन बैट्स का शिकार किया जा सकता है। इनमें से कई फ्रूट बैट्स भी हैं और दूसरे इंसेक्ट्स ईटिंग बैट्स भी हैं। देखो, इनको वर्मिन की कैटेगरी में रखना ठीक नहीं है राइटर के हिसाब से, क्योंकि ये जो बैट्स हैं वो इकोलॉजी के लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये पोलिनेटर्स का काम करते हैं, तो प्लांट्स की डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में सहायता करते हैं ये बैट्स, और इसलिए सरकार को चाहिए कि इनके शिकार करने पर बैन लगाया जाए और इनको शेड्यूल 5 में रखा गया है वर्मिन की कैटेगरी में, उस कैटेगरी से इनको हटाया जाए। तो ये दूसरी चीज है। पहली चीज क्या हमने डिस्कस की? लिस्ट सही नहीं है। दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस की? बहुत से ऐसे एनिमल्स जिनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो किसी भी शेड्यूल में नहीं है। अब तीसरे इशू की बात करते हैं। तीसरा इशू ये है कि स्टेट्स को पावर मिलनी चाहिए कि वो कौन से एनिमल को किस लिस्ट में रख सकें। अभी ये पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो किसी एनिमल की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, एक शेड्यूल से हटा के दूसरे शेड्यूल में रख सकते हैं और किसी एनिमल को किसी भी शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं, मतलब जो अभी किसी भी शेड्यूल में नहीं है उसको किसी शेड्यूल में शामिल भी कर सकते हैं। स्टेट के पास पावर नहीं है। लेकिन राइटर के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है किसी स्टेट में, लेकिन दूसरे स्टेट में उन एनिमल्स को प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ब्रिटिशर्स ने एलिफेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे अंडमान एंड निकोबार में, लेकिन आज के समय में एलिफेंट्स अंडमान एंड निकोबार में बाकी एनिमल्स को बाकी नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स को बाकी जगह पे अगर प्रोटेक्शन की आवश्यकता जितनी है उतनी अंडमान एंड निकोबार में नहीं है। समझ गए? यानी हर एक स्टेट में अलग अलग हिसाब से लिस्ट बननी चाहिए। एक एनिमल एक स्टेट में ज्यादा प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो एनिमल अगर किसी दूसरे स्टेट में बहुत ज्यादा है और वहां की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहां पे उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता यही है कि स्टेट्स को एम्पावर किया जाए, वो अपने हिसाब से लिस्ट बना सके कौन से एनिमल को कितनी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फूड सिक्योरिटी के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। देखो, हमारा देश आजाद होता है 1947 में। उससे चार साल पहले 1943 में एक बहुत बड़ा फैमीन आता है बंगाल में, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं। और 1948 में आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इस डिक्लेरेशन में माना गया था कि राइट टू फूड जो है वो ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। तो जैसे ही हमारा देश आजाद होता है, सरकार को समझ में आ जाता है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार का आइडिया ये था, अगर हमारे देश में इतना अनाज उपलब्ध है कि सभी लोगों के लिए वो सफिशिएंट हो, तो बस फूड सिक्योरिटी ऑटोमेटिक इंश्योर हो जाएगी। यानी कि प्रोडक्शन पे फोकस किया शुरुआत में सरकार ने। अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो गरीब लोगों तक ऑटोमेटिक खाना पहुंच जाएगा, सरकार को ये लगता था। तो इसी वजह से सरकार ने प्रोडक्शन पे फोकस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन आता है 1966 में, हरित क्रांति आती है, और हरित क्रांति का रिजल्ट ये है कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी अवेलेबिलिटी जो है फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी इतना फूड ग्रेन्स हमारे देश में अवेलेबल हो जाता है कि सबके लिए सफिशेंट हो। लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अवेलेबल होने का क्या फ़ायदा अगर वो फूड ग्रेन पहुँच नहीं पाता है गरीब लोगों तक। रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये हो सकता है कि गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो कि वो फूड ग्रेन्स को परचेज कर सकें। रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे अनाज पहुँच ही नहीं पाता। कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि सरकार के पास फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वो जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। जब तक ये सिचुएशन है, फूड सिक्योरिटी तब तक नहीं है। तो इसलिए 1970s में क्या हुआ, वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस जब ऑर्गेनाइज हुई, तब वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली गई कि देखो, फूड ग्रेन्स के अवेलेबल होने से कोई फायदा नहीं है, एक्सेसिबल होना चाहिए गरीब लोगों तक, तब मानेंगे कि फूड सिक्योरिटी आई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और जो दूसरी हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने भी अपने अपने वर्डिक्ट देने स्टार्ट किए और कहा कि राइट टू फूड जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, यानी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। तो मजबूरी वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट को, मजबूरी इसलिए कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे रिलेक्टेंट थी, लेकिन जुडिशरी के आदेश थे कि अब राइट टू फूड आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है और ये फंडामेंटल राइट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई 2013 में। इसमें आपको पता है कि राइस दिया जाता है, वीट दिया जाता है और दूसरे पल्सिस दी जाती हैं सस्ते दामों में, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया। और कवरेज कितनी है, 75% जनता रूरल एरियाज की और 50% जनता अर्बन एरियाज की।
ये कवरेज है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। अब देखो काफी सारे क्रिटिसिज्म किए जाते हैं राइटर के द्वारा। सबसे पहले राइटर ये बोलते हैं कि यूनिवर्सल कवरेज नहीं है इस एक्ट की। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। 100% कवरेज होनी चाहिए, सिर्फ पूरे देश में 67% कवरेज है, ये गलत बात है। दूसरा, इस एक्ट में एक बात यह भी बोली गई है कि अगर कोई ड्रोट आता है, कोई डिजास्टर आता है, जैसे साइक्लोन फ्लड आती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लायबल नहीं है इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। देखो, और डिसाइड कौन करेगा कि डिजास्टर आ चुकी है? डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी तो उसके पास तो एक्सक्यूज हो जाएगा कि देखो डिजास्टर आया है, इस वजह से हम इस एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत बात है। इसके अलावा राइटर के द्वारा एक बात इंपॉर्टेंट बात यह बोली जाती है कि देखो आज के समय में जो थर्ड जनरेशन फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता है, क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है बारिश इरेगुलर है, ड्रोट कहीं बहुत ज्यादा आता है, कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे देश में जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है वो भी प्रभावित हो सकती है। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। नए तरह की फूड सिक्योरिटी आज के समय में हमारे देश में होनी चाहिए और जो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं उन प्रॉब्लम्स पर सरकार को ध्यान देना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।